वडाला टीटी पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो महिलाओं को कॉल करके अश्लील बातें करता था। किसी भी सोसाइटी में प्रवेश करने के दौरान वहां मौजूद चौकीदार द्वारा सुरक्षा हेतु नाम, पता और मोबाइल नंबर देना कभी कभी मुसीबत खड़ी कर देता है। यकीन नहीं होता तो मुंबई पुलिस के परिमंडल 4 स्थित वडाला टीटी पुलिस से संपर्क कर सकते हैं। यहां पुलिस ने 35 वर्षीय विजय शंकर गुप्ता को महिलाओं को अश्लील कॉल करने के आरोप में हरियाणा से गिरफ्तार किया है। वडाला टीटी पुलिस थाने के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेंद्र सांगले ने बताया कि आरोपी विजय हरियाणा के सेक्टर 5 के हरिजन कॉलोनी स्थित मंगोलिया सोसाइटी में वॉचमैन की नौकरी करता है। वह सोसाइटी में आने वाले नए लोगों का नंबर और पता सुरक्षा कारणों से सोसाइटी के डायरी में लिखता था। उन नंबरों को वह बाद में डायरी में लिख लेता था और विभिन्न नंबरों से उन महिलाओं को कॉल करता था जो इन नंबरों के सीरीज में आते हैं। पुलिस ने बताया कि उन्हें वह पहले डिलीवरी बॉय बनकर कॉल करता है। जैसे ही महिला कॉल रिसीव करती है, विजय उसको गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर देता है। विरोध करने या पुलिस में जाने पर जान से मारने की धमकी देता था। इन्हीं में से एक पीड़ित युवती मुंबई की थी, जिसकी शिकायत पर वडाला टीटी पुलिस ने उक्त नंबरों की जांच की। उसका लोकेशन हरियाणा निकला। पुलिस टीम ने 17 दिनों तक हरियाणा के विभिन्न हिस्सों में आरोपी का पता लगाने की कोशिश की और आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद गुप्ता पुलिस के गिरफ्त में आ गया। उसे ट्रांजिट रिमांड पर पुलिस मुंबई लाई। उसके पास से निजी डायरी, महिलाओं के मोबाइल नंबर, छोटे छोटे कागज के टुकड़े समेत कई सिम कार्ड मिले। डीसीपी सौरभ त्रिपाठी और एसीपी शरद नाइक के मार्गदर्शन में सीनियर पीआर राजेंद्र सांगले ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। सांगले ने बताया कि विजय के खिलाफ जान से मारने की धमकी देने, छेड़छाड़ और आईटी एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर वडाला टीटी पुलिस घटना की जांच कर रही है।